थाना क्षेत्र के जिला बदर शातिर बदमाश राजेश शर्मा और उसके साथी विनोद अहिरवार द्वारा SC ST एक्ट का फायदा उठा झूठे प्रकरण बनवाकर किया जा रहा परेशान। क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा जिला बदर आरोपी राजेश पंडित व उसका गुर्गा विनोद अहिरवार द्वारा पत्रकार मनोज शर्मा सहित उनके पूरे परिवार को जान से मारने की दे रहे धमकियां। आरोपीगण पूर्व में भी कई बार कर चुके मनोज शर्मा के साथ मारपीट। आरोपियों पर आज भी विचाराधीन कई मामले हैं जिला न्यायालय भोपाल में। भोपाल थाना कोला क्षेत्र का आदतन अपराधी राजेश शर्मा उर्फ पंडित उर्फ राजेश गौतम व उसका अवैध कारोबारों में सहयोग करने वाला विनोद अहिरवार द्वारा पत्रकार मनोज शर्मा व उनके पूरे परिवार को लगभग 6 वर्षों से लगातार परेशान करते चले आ रहे हैं। लगातार अपराधियों द्वारा श्री शर्मा व उनके परिवार के साथ मारपीट व रुपयों के बलबूते झूठे मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुकदमा 23 अक्टूबर 2018 को जिला बदर के आरोपी राजेश पंडित के कहने व रुपयों का आपस में लेन देन कर झूठा मुकदमा विनोद अहिरवार द्वारा अपनी जाति का फायदा उठाते हुए थाना कोलार में कायमी कराया गया। पत्रकार मनोज शर्मा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे को झूठा व निराधार बताते हुए बताया गया कि राजेश शर्मा व उसका साथी विनोद अहिरवार द्वारा बस्ती में रंगदारी बताते हुए अवैध कारोबार संचालित करते चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा कईयों बार कार्यवाही भी की गई है। शर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपियों द्वारा 2012 में गरीब नगर बस्ती में प्रशासन द्वारा झुग्गी तोड़ने की कार्यवाही का कवरेज करने के दौरान बदमाशी दिखाते हुए और गाली गलौज करते हुए उन्हें और उनके कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका शिकायती आवेदन देकर शर्मा द्वारा कार्यवाही की मांग की गई थी। उसके बाद से ही बदमाशों द्वारा कईयों बार मनोज शर्मा व उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट लूट सहित ही झूठे मुकदमे बाजी करते चले आ रहे हैं। शर्मा द्वारा यह भी बताया गया कि 31 मई 2015 को अपराधी राजेश शर्मा पंडित विनोद अहिरवार पांचू भारत गुर्जर राहुल पंडित सहित ही इनके अन्य साथियों सहित पहाड़ी मंदिर के बगल में धाकड़ किराने के सामने उनके साथ मारपीट करते हुए आरोपियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत भी शर्मा द्वारा की गई है। लूट की वारदात सहित मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही न होने के कारण इसकी शिकायत शर्मा द्वारा 3 जून 2015 को CSP हबीबगंज संभाग को करने से तिलमिलाए आरोपी गणों द्वारा साठ गांठ करते हुए 13 जून 2015 को पहला मुकदमा कायम करवाया गया था, जो आज भी जिला न्यायालय भोपाल में विचाराधीन है। शर्मा द्वारा इस झूठे षड्यंत्र पर कराए गए मुकदमे की शिकायत 18 जून 2015 को जब साउथ SPG से की गई, तो उसके बाद तो मानो अपराधियों द्वारा आज तक उनका जीना हराम कर रखा है। शर्मा द्वारा बताया गया कि इस बीच में आरोपी विनोद अहिरवार द्वारा उनके साथ कई बार मारपीट की गई। उस समय 2 बार विनोद अहिरवार पर मुकदमा कायम हुआ, जो आज भी जिला न्यायालय में विचाराधीन है। शर्मा द्वारा बताया गया कि राजेश पंडित व विनोद अहिरवार द्वारा तभी से इन मुकदमों में राजीनामा करने का दबाव बदमाशों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका विरोध हमेशा की तरह वर्तमान में भी मनोज शर्मा द्वारा किया गया है। इन्हीं कारणों वह अपनी बदमाशी रंगदारी दिखाते हुए राजेश शर्मा व विनोद अहिरवार द्वारा आज भी पत्रकार मनोज शर्मा को डराते हुए खबरों का कवरेज करने से रोका जाता है। मनोज शर्मा द्वारा बताया गया कि थाना कोलार में 23 अक्टूबर 2018 को विनोद अहिरवार द्वारा खुलेआम जिला बदर का आरोपी राजेश पंडित के कहे अनुसार झूठा ही मुकदमा कायम किया गया। शर्मा द्वारा बताया गया कि जिस वक्त चाकूबाजी मारपीट की घटना विनोद अहिरवार द्वारा पुलिस को बताई गई है, उस वक्त वह गरीब नगर की ही झुग्गी जो गड्ढे में बनी है वहाँ आग लगी हुई थी, वहाँ मौजूद थे। साथ ही उन्होंने बताया कि विनोद अहिरवार द्वारा जो घटना पानी भरने को लेकर रचना रचकर पुलिस को बताई गई है वह झूठी है। शर्मा द्वारा कहा गया कि जिस हैंडपंप नल पर पानी भरने को लेकर झगड़ा विनोद द्वारा बताया जा रहा है, वहां सामने किराने की दुकान, रमेश का परिवार, छबीलाल प्रजापति का परिवार, खेदारू का परिवार व सामने रामदास शाक के गनमैन का परिवार निवासरत है। किसी ने भी यह घटना का समर्थन नहीं किया है। मनोज शर्मा द्वारा इस घटना का विरोध करते हुए FIR होने से पूर्व भी पुलिस के थाना इंचार्ज सहित ही CSP हबीबगंज संभाग के साथ ही SP साउथ भोपाल से उनके मोबाइल नंबरों पर लगाकर की गई थी। उसके बाद भी पत्रकार मनोज शर्मा के ऊपर प्रकरण GP पटेल ASI द्वारा बगैर कोई जांच किए ही प्रकरण बना दिया गया है। हेलो भाई साहब, नमस्कार, मनोज शर्मा बात कर रहा था। भाई साहब, आपके होटल में झूठी FIR कट रही बता रहे, साफ कटवा रहे हैं, मैं गया था अभी तो। मैंने खाया कटवाई भाई, कोर्ट में हूँ, तो जिला न्यायालय में हूँ, आपके देख लो। वो मान रहा हूँ, मैं अभी गया था, वो झुकिया जानी है उनका कवरेज में था, और ये वो राजेश शर्मा के साथ में अपराधी के साथ में जो है वो आपस में मारपीट कर रोज फोटो के साथ मेरे ऊपर लगाने जा रहा है, तो भाई साहब झूठा ही निर्दोष है। चलो मैं बात करता हूँ, और भाई साहब निर्दोष हूँ, जांच करवा मैं पाया जाए तो 5 झूठे मार के मुझे बंद करना भाई साहब, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर FIR नहीं होने दे भैया, ये याद
नमस्कार, मनोज शर्मा बात कर रहे थे रिपोर्टर भाई का। हाँ मनोज जी, कहाँ से, कौन? अच्छा थाना कोलार क्षेत्र से भाई का। हाँ बोलो भाई साहब। ये थाना कोलार में मेरे खिलाफ में झूठी FIR दर्ज करना है भाई साहब। कौन बोल रहे हैं आप? मनोज शर्मा बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब जी? कौन से रिपोर्टर भैया? सर जी मैं खबर 29 चैनल से देखता हूँ, पहले हर्ष न्यूज में देखता था भाई साहब। अच्छा, ठीक है। और भाई साहब ये जो बता रहे हैं मेरे को, मैं तो मुझे पता भी नहीं है, पहले भी भाई साहब FIR करी है जिसकी आज भी मैं पेशियां कर रहा हूँ झूठी। और आज फिर मुझे, अभी मैं थाने गए थे, कुछ झुग्गियां जली हुई है यहाँ पर, तो मैंने कहा उनके नाम के लिए ना मैं पूछने गया था, कह रहे तुम बैठ जाओ, तुम्हारी FIR हो रही, मैं फोन करवा रहा, तो बोले जो राजेश शर्मा जिला वगैरह भाई साहब को परसों जो गाड़ी वाला मामला हुआ था आपको मैंने बात की थी, तो वो उसी पे से चढ़ गई, यहाँ कुछ लोग मिलकर मेरे ऊपर ये प्रकरण बना रहे हैं भाई साहब। कौन लोग हैं ये, क्या करते हैं भाई साहब? तो ये मिल गए वो अपराधियों से और वो अपने आपस में लड़गड़ बैठते भाई साहब, और उन चोटों का मेरे ऊपर लगा देते। पिछली बार भी यही हुआ था भाई साहब, इस बार भी यही हुआ है भाई साहब। निर्दोष ब्राह्मण आदमी हूँ और आपसे न्याय की गुहार लगा था, अगर मैं दोषी हूँ तो बिल्कुल मेरे ऊपर कार्रवाई हो भाई साहब, नहीं तो अन्यथा ना हो मेरे ऊपर। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ जी भाई साहब। हेलो, हेलो, साउथ SP महोदय से बात हो रही है? बोलो। मनोज शर्मा बोल रहा हूँ सर जी, रिपोर्टर। बताइए सर जी। थाना कोलार क्षेत्र में निवास है, कोलार क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर कुछ थाना अपने थाना कोलार के कुछ कर्मचारी और अपराधियों द्वारा मिलकर मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है सर जी। 2015 में ही मेरे ऊपर झूठी FIR काट दी गई थी, जिसकी आज भी पेशी कर रहा हूँ न्यायालय में, और आज फिर वो अपराधियों के साथ मिलकर और किसके साथ मारपीट आपस में करके उन चोटों को मेडिकल करवा, तो मेरे ऊपर FIR काटी जा रही सर जी। अच्छा, झूठी सर जी, निर्दोष हूँ, अगर दोषी पाया जाओ तो आप जो सजा दें मुझे मंजूर रहेगी। चलो ठीक है जी सर जी, ठीक है। जबकि जिन झुग्गियों में आग लगी थी उनका कवरेज मनोज शर्मा द्वारा किया जा रहा था, वहां दिवस अधिकारी स्वयं मौजूद थे। मैं पत्रकार हूं, करीब 8-10 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूं, शब्द समर समाचार पत्र में मैं रहा हूं, हर्ष न्यूज 24 में रहा हूं, चैनल में रहा हूं, राजधानी न्यूज चैनल में रहा हूं, UCL राजधानी न्यूज चैनल में रहा हूं, वर्तमान में जो है पोर्टल चैनल है खबर 29, उसमें मैं रीजनल हेड हूं और रिपोर्टर हूं। श्रीमान जी, जो है मैं जहाँ निवासरत हूँ वो वार्ड क्रमांक 81 कोलार थाना क्षेत्र का जो है गरीब नगर बस्ती आती है, उस बस्ती में जो मेरे आसपास जो रहते हैं वहाँ पर जो है मादक पदार्थ का जो है व्यापार करते हैं वहाँ पर, और अवैध हथियारों का, जिनमें मुख्य आरोपी है राजेंद्र गौतम उर्फ राजेश शर्मा पंडित, और इनके साथ में जो अन्य लोग हैं उनमें मुख्य इनका साथी है जो है विनोद अहिरवार, जो विनोद अहिरवार है इसके और राजेश पंडित के द्वारा लगभग 2012 से मेरे साथ जो है गाली गलौज मारपीट करते चले आ रहे हैं ये लोग, और मेरे द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, समय समय पर कानून हाथ में ना लेकर और कानून की शरण में मेरे द्वारा जाकर इनकी शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद भी इनका कोई रुकने का मतलब वो नहीं है। इनके द्वारा पहली FIR झूठी मेरे ऊपर 13 जून 2015 को बनवाई गई, जिसमें भी जो मारपीट जो उसके साथ जो चोटों के निशान थे वो एक हवलदार के बच्चे ने उनको मारा था, और उन निशानों को मेरे ऊपर लगा दिया गया। मुझे दूसरे दिन पता चला, मैंने विरोध किया, नहीं माने, उसका जो प्रकरण बनाया गया उसकी भी आज न्यायालय में वो विचाराधीन है, उसको भी मैं जो है चुनौती दे रहा हूँ। उसके बाद में इनके द्वारा मेरे साथ कईयों बार मारपीट गई, और जो जनता के सामने 2 बार मेरे साथ मारपीट की उसमें मेरे तरफ से भी 2 FIR इसके ऊपर है, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे कब्जे की जमीन छुड़ाई, वो भी मैंने छोड़ दी, और मेरे साथ में जो मारपीट के बाद में जो अनुसूचित जाति कल्याण थाने 2 बार गए 2 तारीखों में, उनमें भी मैंने पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे जो नोटिस दिए गए थे उन नोटिसों के आधार पर जाकर जवाब दिया, उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए, जब साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए इनके कहे अनुसार जो पुलिस को गुमराह कर रहे थे ये अपराधी, मैंने जब साक्ष्य किए तो वो पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर आजाद थाने में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किए, उसके बावजूद भी ये नहीं माने, कईयों बार मेरे परिवार के साथ मारपीट कर चुके, मेरे साथ कर चुके, और अब वर्तमान में भी जो जिला बदर अपराधी है वर्तमान में यही घूम रहा है उस विनोद को साथ में लेकर, और अब इन्होंने मेरे साथ में अभी 23 तारीख को एक झूठा प्रकरण
रचना रचते हुए साठ गांठ करते हुए इनके द्वारा आपस में मारपीट करके उन चोटों के निशान मेरे ऊपर लगाकर और मेरे ऊपर प्रकरण बना दिया गया। जिस जगह की घटना विनोद अहिरवार द्वारा बताई जा रही है वो जगह पे ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई है, वहां परिवार रहते मेरे द्वारा कहा गया और जो समय बताया जा रहा है उस समय पे मैं वहां पर मौजूद नहीं था। मैं जो है उस समय पर झुग्गियों में आग लगी थी, उन झुग्गियों में मैं जो है आग बुझाने और कवरेज करने का प्रयास में था और वहां पर जो वहां पर लोग भी मौजूद थे और आसपास के लोगों से ही मैंने कहा कि आप इनसे जान सकते हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझे जब पता लगा मैं थाने गया, थाने में जो वहां पर डे अधिकारी थे जीपी पटेल जी, मैंने उनसे कहा तो वो बोले नहीं वो तो आपने मारपीट की है, जबकि जीपी पटेल जी विनोद के साथ में मिलकर पहले भी मेरे साथ में जो है मुझे परेशान करके जा चुके हैं, ये पूर्व में जब थाना कोलार में थे, अभी दोबारा आए तो फिर उन्होंने वही काम किया, इनके साथ मिलकर मेरे पर झूठा प्रकरण बनाया, जिसकी शिकायत फिर मैंने फोन पे थाना प्रभारी जी को की। थाना प्रभारी जी ने बताया मैं न्यायालय में मौजूद हूँ, मुझे जब बताया गया थाना प्रभारी जी द्वारा आपकी प्रकरण बनाया जा रहा है तो मैंने उनको फोन लगाया। जब उनको बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेरे द्वारा नहीं बनवाया जा रहा, फिर भी मैं बोलता हूँ थाने में। प्रकरण बनने से पहले मैंने थाना प्रभारी जी को अवगत कराया, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने इसकी सूचना तत्काल अपने मोबाइल से सीएसपी हबीबगंज संभाग जी को दी। हबीबगंज संभाग सीएसपी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है मैं दिखवाता हूँ, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने इसकी जानकारी एसपी महोदय साउथ संभाग भोपाल को दी, उन्होंने भी कहा कि मैं इस प्रकरण को दिखवाता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं मतलब जो सुनवाई ना हुई और उसके बाद प्रकरण बना दिया और आज मेरा मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है और ये लोग डरा धमका कर हम लोगों को जीने को मजबूर करे हुए हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, झूठे प्रकरण हम पे बना दिए जा रहे हैं, हमको फंसा दिया जा रहा है और अभी जो एससी एसटी जो एक्ट जो लागू किया गया है उसका इन्होंने दुरुपयोग करते हुए फायदा उठाकर एक अपराधी के साथ में साठ गांठ करते हुए पैसों का लेन देन करते हुए विनोद अहिरवार ने मेरे ऊपर जो है प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जो एकदम गलत है और मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूर्व में भी कहना था और वर्तमान में मेरा ये कहना है अगर जो घटना घटित हुई उसकी जांच करवाई जाए, उस जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं प्रकरण बिल्कुल मान्य करूंगा, अन्यथा ये प्रकरण मैं बिल्कुल मान्य नहीं करूंगा, इसकी जांच करवाकर इसको जो है इसमें खात्मा लगवाया जाए और जो दोषी जिन लोगों ने षड्यंत्र रच कर ये किया है उन दोषी व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यह मेरी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।